हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मजीद ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे कि अंडे दिए कि नहीं दिए। तो आप देख सकते हो, ये बच्चा है जो पिछली बार अंडे देते तो ये बच्चा निकला हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, कंगनी दाना डाल रखा है इसमें मैंने। तो मैं दो टाइम डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालता क्योंकि बर्बाद कर देते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, भाई पानी था इसमें। तो पानी में मैं विमिनल डाल के देता हूँ, मेडिसिन है विमिनल की, मैंने वीडियो डाल रखी है, वो जाकर देख सकते हो। तो हफ्ते में 2 दिन डाल के देता हूँ क्योंकि मल्टीविटामिन के लिए सही होता है। अंडे बच्चे करते हैं मल्टीविटामिन के लिए, विमिनल हफ्ते में 2 बार देना बहुत जरूरी है। तो ब्रीडिंग कर रहे हैं जो बर्ड्स, उनके लिए हफ्ते में 2 बार विमिनल देना बहुत जरूरी है। तो आप ये देख सकते हो, केज बहुत बड़ा है मेरा यार। इसमें आराम से कॉकटेल भी रह सकते हैं, लव बर्ड भी रखते हैं, लेकिन मैंने केज बड़ा बना के आराम से फ्लाई करें और फिट रहें। जितना फ्लाई करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना फिट रहेंगे ये। तो पीछे मटकी भी जो दिखाई दे रहे हैं 2 बर्ड्स, ये दोनों इन दोनों का पेयर है जो मटकी के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर तार पर जो लटका हुआ है, ये बच्चा था पिछली बार का, बच्चा निकला था। 3 अंडे दिए थे, उसमें एक ही बच्चा निकला था। और ये जो यहाँ पर बैठी येलो वाली, ये फीमेल है ये, और ये मेल है जो अभी उड़ के आया है। इन दोनों का पेयर है और पीछे दो इन दोनों का पेयर है और ये बच्चा है। तो इस बार भी उन्होंने अंडे दिए हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं था कि कितने अंडे दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसने इस बार कितने अंडे दिए हैं। इस बार ज़्यादा अंडे देने की संभावना है क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम देते हैं तो कम अंडे देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो अंडे ज़्यादा देते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने अंडे दिए हैं। तो फ्लैश जला लेता हूँ मैं इसका, मोबाइल का। तो आइए देखते हैं कितने अंडे दिए इसने। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें इस बार इन्होंने 4 अंडे दिए हैं। तो मैं जैसा कहा ही था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 5, 6, 7, 10 भी अंडे देते हैं भाई जी, आपको पता ही होगा 10-12 अंडे देते हैं, लेकिन मिनिमम 3-4 अंडे देते ही हैं, 3 से कम अंडे नहीं देते। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस बार कितने कितने बच्चे निकलते हैं। 4 अंडों में से 2 निकलते हैं, 1 निकलता है, 3 निकलता है। तो मैं अगली वीडियो डालकर दिखाऊंगा कि कितने अंडों में से कितने बच्चे निकले हैं। तो चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा।